अंडा बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए राइस। ये बासमती राइस मैंने पहले से ही बना के रख दिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको राइस, जैसे ये सेपरेट सेपरेट राइस है वैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, करीब करीब 300 ग्राम है। धनिया मसाला, लाल मिर्च पाउडर आप कोई भी ले लीजिए, ये मैंने आगरी मसाला लिया है। 3-4 मिर्ची, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, और ये मैंने खड़ा मसाला लिया है, जिसको मैंने ये जो बड़ी इलायची है इसको थोड़ा मैंने क्रैक किया है, और दालचीनी है, और ब्लैक पेपर है, और ये तेज पत्ता है, और ये 8 अंडे लिए हैं, और ये मैंने 300 ग्राम से ज़्यादा ओनियन लिया है, और थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता काट के लिया है। अंडों को हमें इस तरह से काट देना है, ऐसे पीसेस करने हैं हमें। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, फिर पहले हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। फिर हमें ओनियन और करी पत्ता एक साथ डालना है। भी डालेंगे, जैसे हम ऑनियन डालेंगे इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी हमें टमाटर भी डाल देना है। ओनियन, टमाटर, मिर्ची, ये सबको हमें अच्छे से सौते करना है। अब हमें इस पे ढक्कन देके इसे पकाना है। टमाटर और ओनियन को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे ढक देंगे। अब हम ढक्कन हटाएंगे। अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है। फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट अच्छे से पकाना है, फिर हम इसमें हल्दी और मसाला डालेंगे। जितनी ज़रूरत है उतनी हल्दी डालिए आप। और लाल मिर्च पाउडर,
ये मैंने आगरी मसाला लिया है, आप लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो। फिर से हमें स्वादानुसार नमक डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसमें अंडे डाल देना है। अब हम धीरे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अभी गरम मसाला डालेंगे। ये मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला लिया है, मटन मसाला लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और लेकिन धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। अब हम राइस बाउल में डालेंगे, एक लेयर राइस का और एक लेयर अंडा मसाला उसमें डालेंगे। एक लेयर राइस का हमें थोड़ा थिकी करना है, फिर हम इस पर अभी अंडा मसाला डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा ये अंडा स्प्रेड करेंगे। इस तरह से हम एक लेयर देंगे और फिर धनिया डालेंगे। अभी हम फिर से एक राइस का लेयर देंगे। इस तरह से हमें लेयर देना है। फिर अब इसमें हम गार्निश के लिए एक अंडा, नींबू, फिर धनिया डालेंगे। इस तरह से हमारी अंडा बिरयानी अब तैयार है।